यस, तो आपने देखा कि फिजिकल क्वांटिटीज आर टू टाइप्स, स्केलर वेक्टर, अदिश सदिश। अब हम लोग बात करेंगे उनके गुणनफल की। सदिश का गुणनफल, अदिश का गुणनफल आपने बचपन से पढ़ा कि अदिश का गुणनफल तो बहुत सिंपल होता है, 3 × 4 = 12। ये आपका अदिश गुणनफल है। लेकिन सदिश गुणनफल के रूल्स होते हैं। तो पहले क्या रूल्स होते हैं कि सदिश गुणनफल में दो तरफ का होता है प्रोडक्ट, एक होता है अदिश गुणनफल और एक होता है सदिश गुणनफल। इसका मतलब यह है कि जब हम दो सदिशों का गुणनफल करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, अदिश। इसमें क्या है, दो सदिशों का ऐसा गुणनफल जिसमें में जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, सदिश। उसमें क्या होगा, परिमाण भी होगा और दिशा भी होगी। तो इसके रूल्स हैं कि पहला है कि अदिश गुणनफल में कि सपोज दैट ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है और एंगल थीटा है, तो ए डॉट बी इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा। ये अदिश गुणनफल का फॉर्मूला है। इसको हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट। बहुत सिंपल है, डॉट को देख के जान जाएंगे डॉट प्रोडक्ट। वेक्टर में क्या होता है कि अगर ये दो ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है और ये एंगल थीटा है, इसका जो सदिश गुणन होगा वो होता है ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा और एन कैप। ये तुम्हारा है साइन थीटा, एन कैप। एन कैप क्या है, ये डायरेक्शन है। मतलब अगर किसी प्लेन में ये ए क्रॉस बी हो तो इसके परपेंडिकुलर ये एन होता है, दैट इज द एन, एन कैप। कहने का मतलब जस्ट लाइक ये उंगलियां, अगर ये दो उंगलियां हैं ए एंड बी, तो अंगूठा क्या है, एन कैप, परपेंडिकुलर ऑफ दिस। तो इसमें क्या हुआ कि परिमाण भी मिला और डायरेक्शन भी मिली, तो ये तुम्हारा है क्रॉस प्रोडक्ट। इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। आप देख के जान सकते हो कि यहां एक क्रॉस लगा है तो इसका एक नाम है क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। तो आपने जाना कि सदिश गुणनफल टू टाइप्स का होता है, अदिश गुणनफल, सदिश गुणनफल, ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा, ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा, एन कैप। एन कैप इज द डायरेक्शन परपेंडिकुलर फ्रॉम ए एंड बी। तो ये आपका था अदिश गुणनफल। ओके okay?